हेल्थ केयर के ऑथेंटिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नया अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन एसिड साइट्रिकम के बारे में दोस्तों, यानी जिसे साइट्रिक एसिड भी कहा जाता है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। साइट्रिक एसिड यानी नींबू का रस, खाने की चीज़ें अच्छी तरह न पचने के कारण शरीर के पोषण में गड़बड़ी होना, रक्तहीनता होना, मसूड़ों में सूजन होना, शीताद या जिसे स्कर्वी कहते हैं आदि रोगों में यह लाभदायक है। साइट्रिक एसिड स्कर्वी रोग, मुंह और मसूड़ों का जख्म होना दूर करता है और पित्त ज्वर की प्रतिषेधक दवा है। तो एक ड्राम शुद्ध साइट्रिक एसिड 6 आउंस यानी एक पाव पानी में मिलाकर यदि कैंसर के जख्म में प्रयोग किया जाए तो उसकी तकलीफ घट जाती है। ऋतुस्राव, जिन्हें हर महीने बहुत अधिक रक्त रजस्राव होता हो वे यदि नियमित रूप से इस एसिड का सेवन करें तो बहुत जल्द फायदा होगा। ज्वर, बुखार में पानी के साथ नींबू का रस पीने से प्यास मिट जाती है, कह या मिचली हो तो वह भी घट जाती है, पर इसके प्रयोग के समय यह अच्छी तरह देख लेना चाहिए कि मूल रोग के लिए जो दवाएं दी जाएंगी यह उनकी प्रतिषेधक दवा यानी एंटीडोट तो नहीं है। साइट्रस क्लैरिस वल्गैरिस, दोस्तों साइट्रस वल्गैरिस एक दवा है जिसमें साइट्रिक एसिड का भी पोषण होता है। निम्न शक्ति लाभदायक है, सिर के दर्द के साथ मिचली, सिर में चक्कर आना, मुंह की दाहिनी ओर का स्नायुशूल या न्यूरेल्जिया, हमेशा जम्हाई आना, यह इन कई बीमारियों की दवा है। साइट्रिक एसिड का मूल अर्क ही हमेशा व्यवहृत होता है, यानी हमेशा इसका मूल अर्क यानी मदर टिंचर का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों ये सारी जानकारी रही आज साइट्रिक एसिड के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि बहुत छोटी मेडिसिन है, यूज भी बहुत कम आती है, लेकिन जो इसकी विशेष पोजीशंस हैं, जो विशेष लक्षण हैं, अगर उनके आधार पर इसको दिया जाए तो ये बहुत अच्छा काम कर सकती है दोस्तों। जैसा कि स्कर्वी रोग में या पीत ज्वर की अगर एंटीडोट करने की आवश्यकता हो तो वहाँ पर, और साथ में बुखार के साथ में इसका यूज़ करने पर यह बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। तो दोस्तों ये सारी जानकारी रही आज एसिड साइट्रिक के बारे में। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार दोस्तों।